मध्य प्रदेश के किसानों को मध्य प्रदेश सरकार ने फिर तोहफा दिया है। प्रदेश का किसान अब एक बार में चने की फसल 40 क्विंटल विक्रय हेतु उपार्जन केंद्र पर लाकर सरकार को समर्थन मूल्य पर बेच सकता है। अब से पहले किसान एक बार में सिर्फ 25 क्विंटल चना ही बेच सकता था। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल को जब किसानों के द्वारा ये बताया गया कि उपार्जन केंद्र पर उनसे एक बार में सिर्फ 25 क्विंटल से कम चने की खरीदी की जा रही है, जिस पर कृषि मंत्री पटेल ने सजगता दिखाते हुए तुरंत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दूरभाष पर चर्चा की और वस्तु स्थिति से अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की तत्परता से किसानों से चने की फसल की खरीद लिमिट बढ़ाते हुए एक बार में किसान से 40 क्विंटल खरीद के तुरंत आदेश केंद्र में कृषि मंत्रालय द्वारा निकाल दिए गए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश के किसानों की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। पटेल ने कहा, इससे अब किसानों को उपार्जन केंद्र पर दो बार आने की बजाय एक बार ही आना पड़ेगा, जिससे आपके समय के साथ साथ पैसा, डीजल, पेट्रोल की भी बचत होगी। किसान भाइयों, चने की, सरसों की, मसूर की, गेहूं की खरीदी 25 मार्च से हमने प्रारंभ की है। चने में 24 क्विंटल 50 किलो का बिल बन रहा था, जो भारत सरकार से आदेश आया था उसके अनुसार। जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने तत्काल मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और केंद्रीय कृषि मंत्री जी से चर्चा की, और मैं बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का कि उन्होंने जैसे ही हमने उनको जानकारी दी, तत्काल उन्होंने 40 क्विंटल प्रतिदिन प्रति किसान खरीदने का निर्णय लिया, ताकि किसान को एक ट्राली में 40 क्विंटल अनाज आता है, चना आता है, तो उसको दो चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और इस प्रकार किसानों की सुविधा के लिए, किसानों के हित में संवेदनशील मुख्यमंत्री और संवेदनशील कृषि मंत्री ने जी ने तत्काल निर्णय लेकर किसानों को ये सौगात दी है, सुविधा दी है, उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। पूरे प्रदेश के किसानों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और किसान भाइयों, आपको बधाई कि अब आपको एक ट्राली में दो बार नहीं आना पड़ेगा, जिससे डीजल भी बचेगा, टायर भी बचेंगे और समय भी बचेगा और किसानों को सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करना, उसमें सहायक सिद्ध होगी।